इस समस्या पर हम लोग पिछले पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। इस पूरी घटनाक्रम में केंद्र में जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है और एक बहुत खतरनाक मॉडल है, संविधान और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए या उसको अंडरमाइन करने के लिए या उसको बेअसर करने के लिए। तो मैं दो बातें इस राउंड में कहूंगा, फिर अगली दफे जब आएंगे तब और विस्तार से चर्चा करेंगे। एक तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक कैंपेन की तरह और बीजेपी के अलाई की तरह शिवसेना को घेरना शुरू किया। उन्होंने उद्धव ठाकरे के ब्रदर इन लॉ के ऊपर मुकदमा वो रेड मारी, उनकी 11 प्रॉपर्टी अटैच हैं। उस केस की मेरिट में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक घटनाक्रम है, वहाँ से वो शुरू होता है। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो अनिल परब नाम के मिनिस्टर अभी भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में पूछताछ में बैठे हुए हैं। जो जो गुवाहाटी में लोग गए हुए हैं, संजय राउत का के बयान के हिसाब से 15 से 17 लोग उसमें ईडी के रडार में है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रडार में है। तो ये ईडी का खौफ, जो एमएलए गए हैं उनमें से कुछ लोगों की तो यहाँ तक बातें आई हैं कि उनको रात की नींद उनको नहीं आ रही है ईडी की वजह से, ईडी के हैरेसमेंट की वजह से। तो मैं उनको किसी तरीके क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, ये मामला मेरिट का है, होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल एक आतंक फैलाने में, और बिल्कुल जैसे हिटलर की गेस्टापो थी एक पुलिस जो विपक्षी दलों को विरोधियों को जो है शांत करने के लिए काम करती थी, वही उसी तरीके के पैटर्न पे चल रहा है, खतरनाक है। ईडी अपना काम करे, सीबीआई अपना काम करे, इनकम टैक्स अपना काम करे, उनका काम अपराधियों को या मनी लॉन्ड्रिंग को मनी लो की जांच करना, उसको रोकना है। सरकारें बनाने में अगर उनका रोल होगा तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है, पहली बात तो ये। दूसरा कि जो गुवाहाटी से जो तस्वीर आपने दिखाई और जो मीडिया में बात अभी तक आ रही है, तो उनके पास कोई 32 के आसपास एमएलए शिवसेना के हैं, बाकी जो है वो इंडिपेंडेंट हैं। अब अगर वो फ्लोर ऑफ द हाउस में आते हैं, देखिए बहुमत का परीक्षण किसी होटल में नहीं होगा और गुवाहाटी में तो हरगिज नहीं होगा, महाराष्ट्र में होगा, महाराष्ट्र की असेंबली में होगा, बुम्बई केस की गाइडलाइंस हैं उसके लिए। चीफ विप बदला जा चुका है और चीफ विप जो है वो इशू करेगा, विप का उल्लंघन सदस्यता जाएगी, वो स्पीकर का फैसला होगा। अब जो एक एग्जेम्पशन है यानी छूट है कि दो तिहाई अगर चले जाए तो वो विघटन रहेगा, तो दो तिहाई अगर चले जाते, दो तिहाई पहली बात संख्या 42, 54 एमपी हैं तो दो तिहाई की संख्या है 42, 42 के अलग वोट करने से वो डिस्क्वालिफिकेशन से नहीं बचेंगे। इस बारीक लाइन को हम लोग समझ ले, संविधान की शेड्यूल 10 की जो है, उनको किसी पार्टी के साथ मर्ज होना पड़ेगा, तब उनके ऊपर वो एग्जेम्पशन लगेगा, वो छूट मिलेगी कि जी आपका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। अगर वो मर्ज नहीं होंगे तो इंडिपेंडेंट ग्रुप के तौर पे स्पीकर के डिस्क्रिशन पे है कि उनका वोट अलाउ करे ना करे, उनको डिस्क्वालीफाई कर दे। तो अभी जो स्थिति है, जो हम लोगों के सामने है, जो संवैधानिक स्थिति है, उनको मर्ज होना पड़ेगा। तो क्या बीजेपी उनको मर्ज करार, अभी तक ऐसी कोई मंशा जैसे आपने कहा कि बीजेपी सामने नहीं आई है, हालांकि बीजेपी ही पीछे है, दो दो चार्टर प्लेन लगे हैं, 5 स्टार का लाखों रुपए खर्चा है, कौन उठा रहा है? तो संवैधानिक जो अभी जो लूप होल है वो ये है, और राजनीतिक स्थिति हम जानते हैं कि आप बताई चुके हैं राजीव, क्रम पर नजरें टिकी हुई है।